नमस्कार किसान भाई, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल खेती वेटी में। आज मैं आपको एंट्राकोल फंगिसाइड के बारे में पूरा डिटेल्स में जानकारी देने वाला हूं। इसलिए आप इस वीडियो को पूरा देखिए, कहीं भी स्किप करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यह पूरा वीडियो आपके लिए इंफॉर्मेटिव होने वाली है। इस वीडियो में मैं आपको एंट्राकोल के बारे में जानकारी निम्न बिंदुओं के आधार पर देने वाला हूँ। एंट्राकोल फंगिसाइड क्या है, यह कौन कौन से फंगिसाइड डिजीज पे काम करता है, इसके काम करने का तरीका क्या है, कौन कौन से फसलों पे लगने वाले रोगों पर कारगर है, एंट्राकोल फंगिसाइड का स्प्रे करने का तरीका और डोज क्या होगा, तो चलिए शुरुआत करते हैं। इससे पहले अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। पहले बात करते हैं एंट्राकोल क्या है। देखिए, एंट्राकोल बायर कंपनी का एक प्रोडक्ट है, ये आप भी जानते हैं। यह पौधों को फंगस से होने वाले रोगों से बचाव करता है। इसके अंदर प्रोपेनेव 70% वेटेबल पाउडर फॉर्म में टेक्निकल कंटेंट होता है। यह एक कॉन्टैक्ट फंगिसाइड है, मतलब जब इसका छिड़काव पौधों पर किया जाता है तब यह पौधों के पत्तों, तना, जड़ आदि सभी भागों को ढक लेता है और फंगस इन्फेक्शन से बचाता है। और अगर कोई भी फंगस डिजीज इसके संपर्क में आता है तब उस रोग को यह जड़ से खत्म कर देता है। यह बहुत ही डिमांडेड प्रोडक्ट है और मार्केट में ज़्यादा बिकता है। अब जानते हैं यह कौन कौन से फसल और फंगस डिजीज से पौधों को बचाव करता है। यह एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम फंगिसाइड है, लगभग फंगस से होने वाले सभी रोगों से पौधों का बचाव करता है। जैसे आलू और टमाटर में होने वाले अगेती झुलसा और पछेती झुलसा रोग, फल और पत्तों में लगने वाले फंगल धब्बे, धान में लगने वाले भूरा चिट्टा धब्बा जिसे इंग्लिश में ब्राउन लीफ स्पॉट भी कहते हैं, यह लगभग सभी सब्जी और फल वाली फसलों में लगने वाले फंगल रोग से बचाव करता है। साथ ही इसके अंदर जिंक की मात्रा होने के कारण पौधों में रोग रोधी क्षमता और हरापन लाता है, इससे रोग जो है जल्द ही खत्म हो जाते हैं। आगे बात करते हैं इसके काम करने का तरीका और डोज के बारे में, कि पौधों पे ये छिड़काव करने के बाद किस तरीके से वर्क करता है, किस तरीके से रोग को जो है कंट्रोल करता है। जैसा कि आप जानते हैं, एंट्राकोल फंगिसाइड एक कॉन्टैक्ट फंगिसाइड के साथ साथ ब्रॉड स्पेक्ट्रम फंगिसाइड है। इसका छिड़काव जब पौधों पर किया जाता है तब यह पौधों के सभी भागों पर चिपक कर एक सुरक्षा कवच बना लेता है, जिससे बाहर से फंगल रोग को होने नहीं देता। फंगस के जो स्पोर होते हैं, जैसे ही इसके संपर्क में आते हैं, यह फंगस के खाद्य पाचन श्रृंखला और श्वसन श्रृंखला के कई बिंदुओं पर बार कर नष्ट कर देता है। साथ ही साथ फंगस में प्रतिरोधक क्षमता को डेवलप होने ही नहीं देता। एंट्राकोल का स्प्रे पौधों में रोग लगने से पहले या रोग लगने के बाद दोनों अवस्था में कर सकते हैं। यह मार्केट में 100 ग्राम, 250 ग्राम, 500 ग्राम या 1 केजी में उपलब्ध होता है। स्प्रे की बात करें तो इसका स्प्रे पौधों में रोग लगने से पहले या रोग लगने के बाद दोनों अवस्था में आप कर सकते हैं। यह दोनों अवस्था में बहुत ही अच्छा काम करता है। डोज आप 2 से 2.5 ग्राम प्रति लीटर पानी में घोल बना के पौधों पर छिड़काव करेंगे। इस वीडियो में दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और अपना बहुमूल्य कमेंट जरूर आप दें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।